अगर आप किसी काम से बाहर जाते हो या फिर किसी ट्रिप पे फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अकोमोडेशन का अरेंज करना कि स्टे कहाँ पे करना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक होटल या गेस्ट हाउस के बारे में जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अननोन प्लेस पर जा रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इंडिया के स्टार्टअप करने वाले यंगस्टर रितेश अग्रवाल ने, जो फाउंडर हैं ओयो रूम्स के। थैंक्स टू दिस स्टार्टअप अब आप कहीं पे भी हो तो ओयो रूम्स की ऐप से किसी भी टाइम पे इजीली रूम बुक कर सकते हैं। सिम कार्ड बेचने से लेके एक किताब लिखने तक हर एक्टिविटी को रितेश अग्रवाल ने एंजॉय किया, जिसमें उसने अपना पूरा दिल और दिमाग लगाया। हाई स्कूल में ग्रेजुएशन करने से पहले वो अपने होम टाउन में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के कारण कोटा चले गए। उसके वीकेंड्स कोटा से दिल्ली तक एक ट्रेन में निकलते कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए और फेलो एंटरप्रेन्योर्स को सुनने के लिए। उन्होंने दिल्ली में कई स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया और उन्होंने जो पैसा कमाया वो होटल्स में बिजनेस को समझने के लिए यूज करने लगा और वहाँ के एम्प्लॉयज से बात करके काफ़ी सारी नॉलेज इकट्ठी करने लगे। रितेश अग्रवाल फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने पीटर फेलोशिप प्राप्त की, जिसने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल करने की परमिशन दी। अपने ट्रैवल्स के दौरान उन्होंने होटल्स में काम करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग डेज में उन्होंने बेबी सीटिंग भी की। जल्द ही उन्होंने ओयो रूम्स शुरू कर दिया, जो अब न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में होटल्स की एक डिजायरेबल चेन है। ये होटल्स होम्स लिविंग स्पेसेस बनाने वाला एक अम्पायर है। रितेश अग्रवाल एक इंस्पिरेशन है। 2013 में जब एक टीनेजर रितेश अग्रवाल को थील फेलोशिप के लिए चुना गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस और पब्लिसिटी थी। अप्रैल 2015 में ओयो ऐप लॉन्च किया गया। ये एक यूजर फ्रेंडली ऐप है जो कस्टमर्स को रूम्स बुक करने में मदद करता है। फेलोशिप 20 साल से कम उम्र के उन एंटरप्रेन्योर्स को दी जाती है जिन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। तभी बॉक्सेस को टीज करते हुए अग्रवाल का आइडिया और कुछ नहीं बस एक ग्लोबल ब्रांड था। अग्रवाल पेपाल के कोफाउंडर, फेसबुक के स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स और कई सारे लोग जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में सबसे इम्प्रेसिव लोग कहलाते हैं, पीटर थील द्वारा चलाए जा रहे 2 साल के मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए चुने गए कुछ सिलेक्टेड लोगों में से एक थे। 2013 में अपनी स्टार्टिंग के बाद गुड़गांव में स्थित ओयो ट्रैवलर्स के लिए सबसे बड़ा होटल और कमरों का प्लेटफॉर्म बन गया, जो बिना किसी रुकावट लो कॉस्ट पर कंफर्टेबल अकोमोडेशन की तलाश में थे। हालांकि ओयो ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदल दिया है। ओयो के लिए कोर बिजनेस का आइडिया ट्वीकिंग और रिमॉडलिंग, मेन आइडिया इज ट्रैवलर्स को होटल्स तक छोड़ना है। ये मूल रूप में एक एसेट्स लाइट मॉडल पर शुरू हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ओयो ने एंडरवेरिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की। कंपनी बजट होटल एग्रीगेटर में हॉस्पिटैलिटी चेन और रियल एस्टेट बिजनेस में भी गई है। 2016 में ओयो के नेटवर्क में 5,855 होटल थे, जिनकी कुल इन्वेंट्री 68K से भी अधिक थी, जबकि आज इसके पास 35K से भी ज़्यादा होटल हैं और 125K वेकेशन रूम और 80 देशों में और 800 शहरों में 1.2 मिलियन से भी अधिक कमरे हैं। इसके वर्टिकल हॉलीडे होम, बिजनेस होटल, कैसीनो और कोवर्किंग स्पेस से डिफरेंट होते हैं। एक बहुत ही कम समय में होटल चेन स्टार्टअप एक 18 साल के कॉलेज ड्रॉपआउट द्वारा चेज किया गया और धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में अपना वे बना रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका ओयो रूम में स्टे करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।